जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज कालाजान दहशतगर्द ग्रोह AFWJ ने अपना वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करने का ऐलान किया था नागन चौरंगी पर। हमने पुलिस को दरख्वास्त दी, पुलिस स्टेशन में, न्यू कराची पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी, हमने SP से मुलाकात की, हमने DIG वेस्ट और सेंट्रल फिरोज शाह साहब से बात की, हमने सोहेल सियाल साहब वजीर दाखिला से रब्ता किया, हमने रब्ता किया कमिश्नर कराची से, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान की एक खुली नाकामी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है और सूबाई हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स खामोश तमाशाई है। एक कालादम दहशतगर्द ग्रोह खुलेआम एक्टिविटीज कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान में वादा किया गया था इस फॉर्म से कि कालादम दहशतगर्द ग्रोहों की एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो कि एंटी टेरर एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत ऑलरेडी इनकी एक्टिविटीज पर पाबंदी है, लेकिन हुकूमत स्टेट की रिट को इन्फोर्स करने में नाकाम है और इस वक्त सिविल सोसाइटी के गिनती के अरकान अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और पुलिस को, इंतजामिया को, सूबाई हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में कालाधन दहशतगर्द ग्रोह के खिलाफ जिस कार्रवाई का वादा किया गया था उस वादे पर अमल दरामद किया जाए और बैंड टेररिस्ट आउटफिट AFWJ, LEJ इनकी एक्टिविटीज पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। शुक्रिया।